सीन ऐसा कि अब हम पहुंच चुके हैं हजर्सफील्ड की ओपन मार्केट। ओपन मार्केट लेने घर की बॉयज जो है वो तैयार होकर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सर्दी इतनी ज्यादा होती है, आपको पूरा कवर अप होना पड़ता है फिर बाहर निकलना पड़ता है। तो आप मतलब इंस्टेंट प्लान नहीं बना सकते, पूरा बाहर निकलने के लिए जो है पूरा ताम झाम करना पड़ता है। स्टार्ट कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी है, गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट किया तायमा ने और ऑन बाइक का इंतजार हो रहा है, वो अभी तक ऊपर से आए ही नहीं है, वो आएंगे तो फिर निकलेंगे यहाँ से। सीन ऐसा कि अब हम पहुंच चुके हैं हजर्सफील्ड की ओपन मार्केट। सीन्स बहुत ज्यादा क्रेजी है, मतलब जिस बंदे को भी कोई चीज खरीदनी होती है घर से रिलेटेड प्रोडक्ट या फल फ्रूट एवरीथिंग यहाँ पर मिल जाता है। और आज वेदर कुछ इतना ज्यादा फ्रीजिंग है कि ना हाथ पूरे फ्रीज हो रहे हैं और कैमरा पकड़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यार क्या एनवायरनमेंट है, मतलब है ये संडे मार्केट वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन कीप क्वाइट एंड काम सा सीन है सारा। बस और देखते हैं मार्केट में क्या क्या मिलता है, सारा एक्सप्लोर कर। लड़कों ने शॉपिंग कर लिया बड़ी जल्दी जल्दी और आज वेदर कुछ ज्यादा ही फ्रीजिंग है, और वेदर बहुत ज्यादा फ्रीजिंग है, और कैमरा और गोप्रो दोनों ही धोखा दे गए ठंड की वजह से। बेसिकली गोप्रो में चार्जिंग ही नहीं थी, वो वहाँ धोखा दे गया, और कैमरे का लेंस का जब से गिरा है तब से जो है ना लेंस उसका प्रॉपरली काम ही नहीं कर। दूसरा ये बताएं कि ग्लासेस कैसी लग रही है, मतलब आज से इस फ्रेम में नजर आया करेंगे क्योंकि यहाँ पे सनग्लासेस की जरूरत तो पड़ती नहीं है। शॉपिंग कम्प्लीट, आप घर की तरफ जा। शॉपिंग कंप्लीट हो गई और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और आज वेदर बहुत ज्यादा फ्रीजिंग है, मतलब फ्रीज हो गए हाँ, ज्यादा बात नहीं हो सकती, घर मिलते हैं डायरेक्ट, घर भी लगाते हैं, अब बेड लगा लेते हैं नहीं तो यहाँ फाइन लग जाता है। सीन ऐसा है कि हम जो है वो ड्रिंक्स जीत चुके हैं और अब वो पीने जा रहे हैं, सारे लड़के बाहर चले गए, ठंड थोड़ी ज्यादा है, तो लड़का चाबी लेने गया अपनी गाड़ी की, वो गाड़ी की चाबी ली। यार दरवाजा तो बंद है बहन, तायमा की पीछे से ऐसी आवाज आती है, चाय ले लो चाय ले लो। वी वोन निकलते ब्रेडफोर्ड से घूमते फिरते पहुंच गए टेस्को, वापस हजर्सफील्ड यहाँ पे कराएंगे फ्यूलिंग। तो यहाँ पर सीन ऐसा है कि यहाँ पे आपको जो है ना फ्यूलिंग खुद से करनी पड़ती है, और ये सीन भी एक्सपीरियंस करते हैं, मजा आएगा। अभी देखिएगा बॉस भैया ये सीन होगा, ये कार्ड डाला इन्होंने, चार हो गया पांच हो गया, क्या स्टोरी है राजा जी, क्या स्टोरी है, ये स्टोरी है राजा जी। बस यहाँ पर आपको खुद डालना पड़ता है यार फ्यूल, ये देखें क्या जाती है राजा जी, सब काम खुद करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में तो हमें 50 रुपए का भी पेट्रोल डालना तो उसको बुलाते हैं, चटे ज्यादा पेट्रोल पा दे उतने रख के पाई। पहले असद की तबीयत खराब हुई, असद को घर उतारा, अब हुसैन की तबीयत खराब हो गई, हुसैन को भी घर उतार दिया, और वैसे भी हमारे घर आने का टाइम हो गया था, अब हम घर जा रहे हैं। और सुबह का बहुत पाड़ू किस्म का प्लान बनाया हम लोगों ने, अब देखें। और तो मुझे कह रहा है कि सुबह बहुत ज्यादा कवर होकर जाना, क्या सीन है? और जी यार वहाँ पे सुबह सुबह बहुत ठंड होती है कि आप लोग बीच पे जा रहे हो पतंगे उड़ाने, तो अपने आप को कवर करके जाना क्योंकि वहाँ पे
हालत बुरी हो जाती है। तो बस हम बाहर आ गए वैसे, आज तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फ्रीजिंग वेदर था, लेकिन मजा बहुत आया जो भी है ड्राइविंग का। गाइस रात के 3 बज चुके हैं और सीन ऐसा है कि हवाब और यहाँ बैठे हुए अभी खाना खा रहे थे, मैं ऊपर चला गया वीडियो एडिट करने। आज मैंने 2 वीडियो एडिट किया और मैं नीचे आया, मुझे शोर की आवाज आ रही है। पहुंचा तो मुझे पता चला कि ओन भाई नीचे बैठे हुए, तो मैं तो एक्साइटेड हुई हुई, ओन भाई खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए अभी, और यहाँ बैठ के इन्होंने चिकन स्ट्रेट किया। तो भाभी लड़का बहुत काम का है, काम करने वाला है। बस आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो गया, आज के ब्लॉग को बस यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टॉप विशिंग स्टार्ट डूइंग। ओन भाई बूम करना है हमने, बूम। क्या स्टोरी है दोस्ता?